अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यहां तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रूपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूं, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूं, माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, ये प्राथमिकता है सरकार की, शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, रुपेश पांडे जी के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं, न्याय सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से बंद करके, लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके, इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है आपकी। मैं अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यहां तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूं, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूं, माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, ये प्राथमिकता है सरकार की, शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, रुपेश पांडे जी के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं, न्याय सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से बंद करके, लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके, इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है।